सकल द्रव्य को वास जास में सो आकाश पिछाने। तुम्हारे लिए कौन क्या क्या करता है? प्रकृति तुम्हारे लिए उपकार करती है। सूरज क्या करता है? अरे बोलिए ना, सूरज के बिना जीवन हो सकता है क्या? जब तक सूरज है तब तक प्रलय नहीं आएगी, और जिस दिन सूरज डूब जाएगा, सूरज तो रहेगा, क्या कहते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा मुनियों का सम्मान रहेगा। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं जब तक मुनियों का सम्मान रहेगा तब तक सूरज चांद रहेगा। तो सूरज हमारे लिए उपकार करता है, यानी अभी बारिश का मौसम है, जब तक गर्मी थी, हे भगवान बारिश आ जाए, हे भगवान बारिश आ जाए, हे भगवान। और ये सूरज देखो कितना परेशान कर रहा, तपे जा रहा, इतनी गर्मी, टीवी में गर्मी, अखबार में गर्मी, आपस में गर्मी, चौके में गर्मी, सब जगह गर्मी गर्मी। ठीक है, अब चलो तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई, बारिश आ गई, अब 10 दिन तक बारिश ही बारिश आती रही, अब क्या कहोगे हैं? अब सूरज निकल जाए, अब एक दिन के लिए तो निकल जाए, कपड़े नहीं सूख रहे हैं, कपड़ों में से बदबू आ रही है, सामान खराब हो रहा है, पेट खराब हो रहा है, अब कुछ हो ही नहीं रहा है, अब ये बारिश बंद हो जाए। यानी 8 महीने सूरज निकलता है, 4 महीने की बारिश होती है, लेकिन 4 महीने में भी पूरे समय बारिश नहीं होती है, धूप भी निकलती है। जब तक ये व्यवस्था नहीं बनी रहेगी तब तक काम होने वाला नहीं है। तो सूरज का उपकार है हमारे लिए। विटामिन डी कहाँ से मिलता है? अरे बोलिए ना, सूरज से मिलता है। और सूरज के सामने जाती हो कि नहीं जाती हो? नहीं, हम नहीं जा रहे, धूप हो रही है बहुत, धूप में जाएंगे तो गर्मी लगेगी, थक जाएंगे, काले हो जाएंगे, है ना। और विटामिन डी कहाँ से मिलना है? सूरज से। आज विटामिन डी की क्यों कमी हो रही है लोगों में? क्योंकि वो धूप में निकलते नहीं है, धूप में बैठते नहीं है। इसीलिए पहले की महिलाएं हैं गर्मियों के दिनों में गेहूं धोती थी, हैं, और सारे सामान सुखाती थी, धूप में बार बार जाती थी, फिर हाथ फेर के आती थी, फिर जाती थी, फिर फेर के आती थी, कपड़े सुखाती थी, वो धूप लग जाती थी थोड़ी सी तो स्वस्थ रहती थी। अब वो बाजार का आटा आ जाता है सीधे, शक्ति भोग आटा, यही वाला है क्या हैं? शक्ति का भोग करो। अच्छा, लक्ष्मी आटा, राजस्थान में लक्ष्मी आटा आता है, तो लक्ष्मी के लिए, मतलब लक्ष्मी आटा, तुम ये आटा खाओगे तो लक्ष्मी जिया जाएगी, ऐसे ऐसे लालच दे करके आटा बेचा जा रहा है। अब यदि आटा आप स्वयं पिसवाओ तो 10-15 दिन के बाद खराब हो जाता है ना, और वो आटा खराब नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसमें केमिकल मिलाया गया है, और वो आटा आप खा रहे हैं तो बीमारी निश्चित आएगी। तो सूरज हमारे ऊपर उपकार करता है। नदियां भी हमारे लिए जल देती हैं। अब भले तुम्हारे घर में नल आ गए हैं, पहले नल नहीं थे, नदी ही थी, लेकिन आज भी नदी की उतनी ही जरूरत है। यदि नदी ना हो तो बांध ना हो, और बांध ना हो तो तुम्हारे जयपुर में पानी ना आए। पानी कहाँ से पहुंच रहा है? बांधों से पहुंच रहा है, और बांध किससे टिके हुए हैं? नदियों से टिके हुए हैं। तो नदियां भी हमारे ऊपर उपकार करती हैं। अब गर्मी, जून का महीना तप रहा है, अब तुम्हें किसका इंतजार है? अरे बोलिए ना, हाँ, बारिश का। अच्छा, तुम्हारे कहने से आ भी गई, तुमने बुलाया और आ गई, और आ गई तो तुम्हें खुशी मिली कि नहीं? पानी मिला कि नहीं मिली? शांति मिली कि नहीं मिली? मिली। आपने रिटर्न क्या दिया? सूरज ने आपको रोशनी दी, सूरज ने आपको ऊर्जा दी, शक्ति दी, और आपको विटामिन डी दिया, आपने बदले में क्या दिया? अरे बोलिए ना, क्या दिया? कुछ नहीं दिया। अच्छा, बादलों ने बारिश दी, आपने बदले में क्या दिया? कुछ नहीं दिया। पेड़ों ने आपको फल दिए, आपने उन्हें क्या दिया?
पेड़ों को कुछ नहीं दिया, नोट लिए वो मनुष्य ने लिए। फल मान लो आप लेते हैं पेड़ों से मिले हैं, तो आपने पेड़ों को नोट नहीं दिए हैं, नोट किसको दिए हैं? मनुष्य को दिए हैं। हैं बाग में फूल खिले हैं, वहां पर खुशी मिलती है, तो फूलों को आपने क्या दिया? उन्होंने आपको खुशी दी, आपने उन्हें क्या दिया? कुछ नहीं दिया। हैं तो इसका मतलब यह है प्रकृति हमारे ऊपर उपकार करती है, निस्वार्थ निष्काम बिना बदले के भावना की। बदले की कोई भावना नहीं होती है कि हमने तुम्हें फल दिए हैं तो तुम भी हमें कुछ दो, ऐसी कोई भावना ना सूरज में होती है, ना फूलों में होती है, ना चांद में होती है, ना सितारों में होती है, ना नदियों में होती है और ना संतों में होती है। यदि प्रकृति आपको जीवन देती है तो संत आपको दिशा देते हैं, क्योंकि दिशा के बिना दशा बिगड़ जाती है, और जिसकी दशा दिशा अच्छी है उसकी दशा अच्छी है, और जिसकी दिशा अच्छी नहीं है उसकी दशा बिगड़ जाती है। दिशा मिलेगी तो मन सुखी होगा, आत्मा प्रसन्न रहेगी और घर के कलेश मिट जाएंगे, और यदि मन सुखी नहीं है तो घर में कलेश रहेंगे और धर्म नहीं मिलेगा, और जहां धर्म नहीं वहां सुख नहीं, वहां शांति नहीं। तो संसार में यदि उपकार करने वाले ना हो तो आप अच्छे से जीवन जी ही नहीं सकते। प्रकृति हमारे बिना रह सकती है, लेकिन हम प्रकृति के बिना नहीं रह सकते। बारिश का मौसम है, पेड़ लगाओ। पेड़ कट रहे हैं, किसके लिए कट रहे हैं? सब इसके लिए कट रहे हैं। किसके लिए कट रहे हैं? पैसों के लिए कट रहे हैं। जो मोटे मोटे बड़े बड़े हजारों साल पुराने पेड़ हैं उन्हें काट दिया। अब तुम जो पेड़ लगा रही हो ना, वो पेड़ ऐसे ही आ रहे हैं जैसे तुम्हारे बच्चे आ रहे हैं, कमजोर बीमार जल्दी से कुम्हलाने वाले। और पहले के पेड़ तूफान भी आ जाए तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, उन पेड़ों को काट रहे हैं और कमजोर कमजोर को लगा रहे हैं। तो उपकार जीवन में बहुत जरूरी है। जब बादल ने उपकार किया, सूरज ने उपकार किया, चांद ने उपकार किया, नदियों ने उपकार किया, फूलों ने उपकार किया, संतों ने उपकार किया, तो क्या आपका फर्ज नहीं है कि आप भी उपकार करो? अरे बोलिए ना। और बिना स्वार्थ के करो, बिना किसी बदले की भावना के करो, बिना उसे वापस लेने की भावना से करो, तो आप उपकार मानना। वरना देवरानी की सेवा इसलिए हो रही है कि उससे हमें वापस में करवानी है, पड़ोसन के लिए इसलिए कुछ कर रहे हैं कि वो हमारे काम आएगी। बोलिए, करते तो हो तुम दूसरों के लिए, इसमें दो मत की बात नहीं है, बिना किए चलने वाला भी नहीं है, लेकिन करने में बदले की भावना है। तो जो बदले की भावना है ये उपकार नहीं है। उपकार का मतलब है जिसमें बदले की भावना ना हो। छह द्रव्य हैं, धर्म अधर्म, जीव पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश और काल, इन छहों द्रव्यों के उपकार हैं। क्या उपकार है? तत्वार्थ सूत्र का पांचवा अध्याय पहले ना, धर्मा धर्मियो द्रूपकारा गति स्थित ग्रहो, यानी कि गति होना, चल रहे हैं किसके कारण? धर्म द्रव्य के कारण। रुक रहे हैं किसके कारण? अधर्म द्रव्य के कारण। पुद्गल के भी उपकार हैं, क्या? श्वास लेते हैं, शरीर मिला, उपवास किससे करते हो? अरे बोलिए ना, उपवास किससे करते हो? शरीर से। यहाँ कैसे आए हो? बोलिए ना। हाँ जी सुभाष जी, यहाँ कैसे आए हो? किसके द्वारा आए हो? आई तो आत्मा है, किसके कारण आई है? कौन लेके आया इस आत्मा को यहाँ पर? शरीर के कारण है ना। तो सुख दुख जीवित मरण मरणोप्राश्च, यानी सुख किसके कारण? रसगुल्ला खाया अच्छा लगा, किसके कारण अच्छा लगा? जीव है तो अच्छा लगा, और जीव नहीं है तो रसगुल्ले का स्वाद ही नहीं। और जीव मिलती है दो इंद्री से, एक इंद्री के जीव है ही नहीं है,
तो जो इंद्रियां हैं, जो शरीर है, इनका भी उपकार है। अच्छा ये बताओ, जन्म हुआ किसका? बोलिए ना, आपने जन्म लिया, किसने जन्म लिया? आप आत्मा का जन्म होता है क्या? नहीं होता। तो किसने जन्म लिया? नया शरीर मिला जन्म, और ये पुराना शरीर छूटा तो मरण। यदि जन्म हो गया और मरण ना हो, विचार करो, कल्पना करो कि जन्म हो गया और मृत्यु नहीं है संसार में, फिर क्या होगा? अरे बोलिए ना, बूढ़े हो गए, जर्जर काया हो गई, चला नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, इस चमड़ी ने अंदर की खाल को छोड़ दिया और ऐसे हो गए कि बिल्कुल डरावना शरीर हो गया। अब कौन सहायता करेगा हमारी? अरे बोलिए ना, मरण सहायता करेगा। कौन सहायता करेगा? मरण सहायता करेगा। यदि मरण ना हो तो नया शरीर ना मिले, मरण ना हो तो पुराना शरीर ना छूटे। ये मरण का उपकार है कि हमें नया शरीर देता है, और ये जन्म का उपकार है कि हमें नया जन्म मिलता है। यानी कि ये पुद्गल द्रव्य का उपकार हमारे ऊपर है। श्वास कैसे लेते हो? पुद्गल के कारण से लेते हैं। सुनते किसको हो? आत्मा सुन रही है, लेकिन किसके कारण सुन रही है? कान के कारण सुन रही है। यदि तुम्हारे कान खराब हो जाएं, तो क्या सुन पाओगे? तो इन कान का उपकार है। उपकार दूसरा मेरे ऊपर कर रहा है, उपकार तो वही कहा जाता ना, जब दूसरा मेरे ऊपर करे तो शरीर दूसरा है और मैं आत्मा हूं, तो शरीर मेरे ऊपर उपकार कर रहा है। हाँ या ना? है आकाशस्य वगाहा, आकाश द्रव्य का उपकार है कि वो मुझे रहने के लिए, हम सब द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है। ये आकाश द्रव्य का उपकार है। और जीव द्रव्य का क्या उपकार है? धर्म का बता दिया, अधर्म का बता दिया, अब काल का रह गया। काल का परिवर्तन करना, क्या करना? आप जितनी उम्र में हैं, तो किसके कारण परिवर्तित होकर यहां तक पहुंचे हैं? काल द्रव्य के कारण। किसके कारण? काल द्रव्य के कारण। तो जीव द्रव्य का क्या उपकार है? जीव द्रव्य क्या करता है? पांच द्रव्य का तो समझ में आ गया, लेकिन जीव जीव पर क्या उपकार करता है? आपने एक सूत्र हर जगह लिखा देखा होगा, परस्पर ग्रहो जीवानाम, देखा है? है? इसका क्या मतलब होता है? जीव द्रव्य परस्पर में एक दूसरे पर उपकार करे। जीव द्रव्य परस्पर में एक दूसरे पर उपकार करें। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अरे बोलिए ना। अरे उपकार की बात करनी है ना, तो मुनि विष्णु कुमार की तरफ देखो। किन की तरफ? महामुनि राज मुनि विष्णु कुमार की तरफ। उपकार करो तो ऐसा करो कि वो प्रसिद्धि हो गए वात्सल्य अंग में। मुनि विष्णु कुमार क्या किया था उन्होंने? 700 मुनिराजों की रक्षा करी थी। कैसे करी थी? वो तो मुनिराज थे, वो रक्षा कैसे करते? उन्होंने मुनिराजों की रक्षा करने के लिए अपना मुनि पद छोड़ दिया। एक मुनिराज के लिए, उनके लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है? उनका मुनि पद होता है। हैं? इससे बड़ा कुछ होता है क्या? इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता कि दीक्षा छोड़ दें। कितनी बड़ी बात है, इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती है एक मुनि के जीवन में। और 700 मुनिराजों की रक्षा के लिए अपनी दीक्षा छोड़ दी। बाद में मोक्ष चला जाऊंगा, बाद में तपस्या कर लूंगा, बाद में दीक्षा ले लूंगा, लेकिन यदि 700 मुनिराजों को कुछ हो गया तो ये दोबारा मिलने वाले नहीं है। दीक्षा छोड़कर आ गए और आकर रक्षा करी 700 मुनिराजों की। यह वात्सल्य अंग का सबसे बड़ा उदाहरण, वात्सल्य अंग का। वात्सल्य किसे कहते हैं? धर्मी सो गौ वच्छ प्रीतिसम। गौ और वच्छ यानी बछड़ा, गाय अपने बछड़े को प्यार करती है। कितना करती है? बहुत करती है। यदि गाय को कहीं ले जाना हो तो उसके बछड़े को आगे आगे ले चलो, तो गाय के गले में रस्सी डालने की जरूरत नहीं है, वो पीछे पीछे चली आएगी। इतना प्यार करती है। क्यों करती है अपने बछड़े को प्यार? अब मेरा बेटा बड़ा होगा, फिर इसकी बहू आएगी,
फिर गरम गरम रोटी खिलाएगी, फिर पता नहीं गरम गरम रोटी खिलाएगी कि खरी खोटी खिलाएगी। हैं भाई, तुम अपने बच्चों को क्यों प्यार करते हो? ये बड़े होंगे, ये हमारी सेवा करेंगे, ये हमारे काम आएंगे, हमारे बुढ़ापे में काम आएंगे। आजकल के माँ बाप ने सोचना बंद कर दिया है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को वो खुद ही देख रहे हैं कि जैसे जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया का छोटा सा बच्चा होता है, चिड़िया दाना लाती है बाहर से और उसकी चोंच में डालती है, उसे खाना खिलाती है, और जैसे उसका बच्चा बड़ा होता है और उड़ना सीखता है, वो उड़ जाता है। कुछ समझ गए? ऐसे ही आजकल के बच्चे जैसे ही थोड़े से बड़े होते हैं वैसे ही, पहले तो उनके मम्मी पापा उड़ाते, जा बेटा जा हॉस्टल में जा, क्या करते हैं हॉस्टल, जितना बचा खुशा होर्स घर में था वो वहां जाके वो भी टल जाता है, जा हॉस्टल जा। फिर उसके बाद इंतजार करते हैं, बेटा आएगा बेटा आएगा, बेटा फोन करता मम्मी मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रहा, मैं नहीं आ रहा। ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा है? तो उपकार, आजकल बच्चे माँ बाप को उपकार नहीं मान रहे, तुम औरों की उपकार की बात कर रहे हो। स्वार्थ का इतना जमाना आ गया है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए, ऐसे लोग हो गए हैं। अब ऐसे समय में यदि उपकार की बात करें तो कैसा लगेगा, लेकिन जब तक उपकार की चर्चा नहीं की जाएगी तब तक आपको बात पता कैसे चलेगी। उपकार करना धर्म है कि नहीं पहले तो ये बताओ। अरे बोलिए ना, उपकार करना धर्म है या नहीं? यदि धर्म है तो धर्म से पुण्य है, धर्म से पुण्य है, धर्म से मोक्ष मार्ग है। धर्म हमेशा धर्मात्मा के ऊपर सवार होकर चलता है। धर्म कैसे चलता है? शास्त्रों शास्त्रों से धर्म चलता है। यदि मनुष्य ना हो, भक्त ना हो, मंदिर में आने वाले ना हो, बहुत सारे मंदिर हो और बहुत सारी जिनवाणी हो, धर्म चल सकता है क्या? नहीं। कैसे चलेगा धर्म? धर्म हमेशा धर्मात्मा के ऊपर सवार होके चलता है। यदि धर्मात्मा होंगे तो धर्म होगा, और धर्मात्मा नहीं होंगे तो धर्म भी नहीं होगा। यदि आपको धर्म की रक्षा करनी है तो किसकी रक्षा करोगे? धर्मात्मा की। किसकी रक्षा करोगे? धर्मात्मा की। धर्मात्मा की रक्षा करो तो धर्म की रक्षा अपने आप हो जाए। अब आप सोना गिर आए हो, ठीक है? सोना गिर क्यों आए हो? सिद्ध क्षेत्र है, इतना विशाल तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ पहाड़ पर 77 मंदिर हैं, मंदिर है ना, आप लोग वंदना करके आए ना, अरे बोलिए ना, वंदना करके आए हो ना, आप सोना गिर आए हो, 77 मंदिर की वंदना, अभी अभी आपने 57 मंदिर की वंदना करी। कैसे करी आपने मंदिर की वंदना? किसी ने बनाए होंगे तभी तो करी ना, अरे बोलिए ना, किसी ने ये मंदिर बनाए होंगे तभी तो आपने वंदना करी है। और यदि मंदिर नहीं बनाए होते तो क्या आप वंदना कर पाते? नहीं कर पाते। इसका मतलब ये है कि उनका उपकार है हमारे ऊपर कि इन मंदिरों को बनाया और आज हमें उनकी वंदना करने का सौभाग्य मिल रहा है। अब उनके काल में उन्होंने उतने मंदिर तो बना दिए, अब एकाध मंदिर हमारे काल में भी तो बनना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी उन मंदिरों की वंदना करे। अरे बोलिए ना, कि केवल हम उनके बनाने के हाथ ही जोड़ते रहे हैं? बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? अब यहाँ से 5.5 करोड़ मुनिराज मोक्ष गए, कितने? 5.5 करोड़ मुनिराज। अब हम 5.5 करोड़ प्रतिमाएं तो विराजमान कर नहीं सकते, कम से कम 1008 तो कर ही सकते हैं। सहस्रकूट बना करके हम 1008 प्रतिमाएं तो विराजमान कर ही सकते हैं। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? और वैसे भी अपने जीवन में एक प्रतिमा विराजमान तो करना ही चाहिए, और वो भी किसी सिद्ध क्षेत्र पर हो जाए तो और क्या कहना है। तो ये सिद्ध क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? जिस भूमि पर हम बैठे हैं, यहाँ से 5.5 करोड़ मुनिराज मोक्ष गए। हम यहाँ क्यों आए हैं? हम भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने के लिए उनके चरणों में आए हैं कि एक दिन हमारा भी इसी सोनागिर से मोक्ष की प्राप्ति हो जाए।
हैं? तो बंधुओ हमारे इतने ये मंदिर देखो, ये मंदिर 800 साल पुराना है। कितने साल पुराना है? जहां आप बैठे हैं 800 साल पुराना है, और आज देखो आज जैसे का तैसा है। और क्या क्या मंदिर बनाया, क्या विशाल मंदिर बनाया, क्या प्रतिमा बनवाई, क्या यहाँ मतलब चारों तरफ देखो आप कितना वैभव फैला हुआ है। तो अब विचार तो मन में आया कि अपन को भी कुछ करना चाहिए सोनागिर में। चर्चा यहाँ पहले से चली रही थी कि सहस्कूट बनना है। बोले माता जी आपकी उसमें बन जाए तो ज्यादा अच्छा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। 1 जून को शिलान्यास फाइनल कर दिया, और 1 जून को गर्मी, आप यहाँ का अतिशय देखो, 1 जून का मतलब भयंकर गर्मी है। और प्रोग्राम कहाँ था? पहाड़ के ऊपर। मैंने डेट फाइनल कर दी, जो होगा देखा जाएगा। डेट तो फाइनल करो, यदि ज्यादा सोचेंगे तो फिर काम होने वाला। यदि ज्यादा सोचने वाला था, इतनी गर्मी हो गई हो रही है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इतनी गर्मी में कोई आएगा नहीं, कैसे प्रोग्राम होगा। उस प्रोग्राम में जयपुर वाले भी आए, बैठे अभी जयपुर वाले, वो भी आ गए। तो इस तरह से प्रोग्राम फाइनल कर दिया। मौसम ऐसा रहा, ना बारिश ना धूप। 1 जून को ना बारिश, यदि बारिश हो जाए तो भी प्रोग्राम खराब हो जाए, और यदि धूप हो जाए तो भी प्रोग्राम खराब हो जाए। ना बारिश ना धूप, ये अतिशय है यहाँ का। आज आप यहाँ आए हो, ना बारिश ना धूप। नहीं तो कल यहाँ बहुत बारिश हुई, और जितने लोगों ने वंदना करी खूब भीगते भीगते करी, इसका मतलब है कि आपका पुण्य ज्यादा है। बंधुओं, उपकार करना, कराना, प्रेरणा देना, इसी से ही धर्म आगे बढ़ेगा। इसके बिना धर्म आगे बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन स्वार्थ का देखो कितना हो गया है। एक आपको उदाहरण बताऊं। एक बार एक जगह चतुर्मास चल रहा था, तो चतुर्मास के लास्ट में एक बहन जी ने चौका लगाया। अब चौका लगाया, आहार चल रहा है। अब महिलाएं बोलती तो रहती हैं, बोल उनके मन में जो विचार चलते वो रखती नहीं है, वो निकाल देती हैं सारा। पचाने की क्षमता कम है, वो सारा बाहर डालो और निकालो, डालो और निकालो, से यही काम करती हैं। नहीं नहीं, आपकी जयपुर वालों की बात नहीं कर रही, महिलाओं में धैर्य धीरज कम होता है। अब आहार चल रहा है, अब आहार में महिला बोल रही है, मैंने सोचा था यदि मेरे बेटे का सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं चौका जरूर लगाऊंगी। चौका क्यों लगाया? अरे बोलिए ना, क्यों लगाया चौका? बोले सिलेक्शन हो जाएगा तो चौका लगाऊंगी। यानी चौका लगाने में भी स्वार्थ, चौका भी बिना स्वार्थ के नहीं लगाया जा रहा है। कुछ हो, कुछ मिले तो लगाएं, नहीं मिले तो नहीं लगाएं। उपकार की भावना नहीं है। और जबकि हमारे लिए जो जितना करता है उससे ज्यादा हमें उसके लिए करना चाहिए। प्रकृति हमारे लिए कितना कर रही है, तो कम से कम प्रकृति को हम वापस नहीं कर सकते हैं, तो उसका जो उपकार है वो हम मनुष्यों को तो बांट सकते हैं, मनुष्यों को तो दे सकते हैं। यदि उपकार करने की भावना ना होती तो आज आप लोग यहाँ ना होते। सोनागिर किसके कारण आए हो? जो संघ है इनके मन में भाव हुए, चलो सबको तीर्थ यात्रा कराते हैं, सबको सोनागिर ले जाते हैं, ये भाव हुए ना। और आप इसके बदले में उन्हें क्या देंगे? डांटेंगे, ये व्यवस्था नहीं करी, यहाँ ये व्यवस्था नहीं हुई है, पहले से नहीं पता था, नहीं तो हम तुम्हारे साथ नहीं आते। तुमने खाने की व्यवस्था बढ़िया नहीं करी है, तुमने कमरे की व्यवस्था नहीं की है, बेचारी इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी आप नहीं। मतलब ऐसे लोग होते हैं कि उलाहना टॉर्चर करने के अलावा दूसरे काम नहीं करते। बहुत से लोग आते हैं, बोले माता जी आज के बाद यात्रा नहीं ले जाएंगे। मैंने कहा भाई सब क्या हुआ? बोले माता जी बस इतने ताने सुनने मिलते हैं, इतनी बुराइयां मिलती हैं कि अब नहीं ले जाएंगे। यदि वो यात्रा नहीं ले जाएंगे तो इसका पाप उन लोगों को लगेगा जिन लोगों ने उन्हें परेशान किया है।
एक तो वो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, घर छोड़ रहे हैं, सारी व्यवस्था कर रहे हैं, तुम्हें मेहमान जैसे हाथों पे ले जा रहे हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारे घर के पास में बस खड़ी कर रहे हैं और क्षेत्र पे बस खड़ी कर रहे हैं। अभी तुम जाओ जरा यात्रा करने के लिए ट्रेन में बैठ बैठ के, फिर यहाँ से सामान उतारो, फिर टैक्सी में बैठो, फिर क्षेत्र पे पहुंचो, फिर कमरा लो, फिर वापस ट्रेन में जाओ, फिर वहां जाओ, कितनी मेहनत लगेगी। और यहाँ यात्रा करने में इतनी सुविधा होने के बाद भी आदमी के अंदर शांति नहीं है, सामने वाले को उल्टा ही बोलेगा, सीधा नहीं बोलेगा। और ये एक जगह की बात नहीं है, सब जगह की बात है। यदि इनने कह दिया कि 11 बजे बस जाएगी, अभी रुक जा, 11 ही तो बजे है, जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक कैसे जाएगी बस। और लेट हो गए तो जो आगे आ गए तुम लेट कर रहे हो बस, हम 11 बजे कह दिया हम आके बैठे हैं, अब वो सुनने किसको मिल रही है, जो बस ले जा रहा है। देर कौन कर रहा है, तुम्हारे साथ ही कर रहे हैं। यानी उपकार का बदला उपकार से तो होता नहीं कि भाई साहब धन्यवाद आप हमें बस लेकर आए तो हमें यात्रा करने को मिल गई, ये उपकार तो है नहीं, ऊपर से उल्की प्रति उल्टी भावनाएं और होती है। सही है या गलत है, क्या सही है, उनको गलत बोलना सही है, धन्यवाद देना। तो आज आपकी ड्यूटी है कि हर क्षेत्र पर उतर के एक बार टीम को धन्यवाद देना कि आप हमें यात्रा पर लेके आए। हर क्षेत्र का एक एक धन्यवाद तो बनता है ना, हर क्षेत्र का एक एक धन्यवाद है। आप कितना पुण्य कमा रहे हो और ये नहीं लाते तो अभी कहाँ होते। और यदि आपको आने की भावना भी है, अब बेटे के हाथ जोड़ो, क्या बेटा चल यात्रा, अभी नहीं मम्मी अभी मेरा ये काम है, पति से कहो अभी नहीं जा रहे अभी ये काम है। और ये तो आपको लेकर आए हैं, आप तो बीच बीच में कहते रहा करो यात्रा कब लेके चल रहे हो, यात्रा कब लेके चल रहे हो, तो इसमें आपका ज्यादा पुण्य बढ़ जाएगा। अरे बोलिए ना, है ना। तो बंधु हो, 6 द्रव्य का उपकार है, 6 द्रव्य का उपकार है, प्रकृति का उपकार है, परिवार का उपकार है, समाज का उपकार है, देश का उपकार है, प्रशासन का उपकार है और प्रधानमंत्री का उपकार है, कितने सारे उपकार हैं हमारे ऊपर, तब कहीं हम जी पा रहे हैं। और ये उपकार ना करें हमारे ऊपर तो हम अच्छी जिंदगी जीने वाले नहीं हैं। मंदिर बनाने वालों का उपकार है, प्रतिमा विराजमान करने वालों का उपकार है, यहाँ पर व्यवस्था करने वालों का उपकार है, यहाँ की कमेटी का उपकार है, यहाँ के जितना स्टाफ है उनका उपकार है। जब तक ये सारे उपकार हमारे ऊपर ना हो तब तक हम अच्छे से धर्म करने वाले नहीं है। तो सबको धन्यवाद जरूर देना चाहिए। यदि कमरा मिलने में देर हो रही हो तो नाराज होना चाहिए कि उपकार मानना चाहिए, ठीक कोई बात नहीं, आप जब करोगे मैं बोलिए, नाराज होगे नहीं होगे, इतने नाराज होते ऐसा समझते हैं जैसे बिल्कुल हमारे घर का ही है ना। तो बंधु हो, आज बड़ा अच्छा लग रहा है, क्यों लग रहा है, आज हमारे जयपुर वाले आए हैं। कहाँ वाले आए हैं, हमारे जयपुर वाले, हमारे राजस्थान वाले आए हैं। हाँ कई लोग कहते बोले माता जी आपके राजस्थान गए थे हम, हाँ बहुत लोग बोल चुके आपके जहाजपुर गए थे हम, वह ठीक है भाई है। कुछ लोग तो ये कहते माता जी हम आपकी पूजा करते हैं, वो जिनवाणी लिखी ना जो मैंने नई जिनवाणी लिखी है तो बहुत सारे लोग उससे पूजा करते हैं, तो वो कहते हम आपकी पूजा करते हैं, यानी उनका बोलने का भाव तो सही है, मैं शब्द वो ज्यादा ना बोल के कम बोल देते हैं, सीधे मेरे ऊपर डाल देते हैं, मैं भी खुश होके ले लेती, कोई बात नहीं, थैंक यू, धन्यवाद, आपका भाव सही है, शब्द मैंने ले लिया आपके हैं। तो आज कई दिन से खबर आ रही थी कि जब से मैं यहाँ आई हूँ, सोनागिर आई हूँ, तब से ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन जयपुर वाले सोनागिर में ना रहते हैं। हर रोज जयपुर का कोई ना कोई रहता ही रहता है। अब जयपुर होके आई हूँ तो आपको बुलाना तो पड़ेगा ना, अब जहाँ जाऊंगी अब आपको आपको बुलाऊंगी ना वहाँ पर, और आप आएंगे ना। अरे बोलिए ना भाई सुभाष जी, एक बार हाथ उठा के बता दो जरा, सुभाष जी बताओ लाओगे कि नहीं लाओगे, इनको हाथ उठाओ जल्दी से, हाथ उठाओ, ये सारे तैयार हैं तुम्हारे साथ, विनोद जी
संयोजक जी, हाँ बहुत बढ़िया, चलो सब तैयार। ये आपने भले आ पाओ ना आ पाओ, लेकिन आने वाले समय में जो तीर्थ यात्रा होगी उसका पुण्य तो आपने ले ही लिया, भूत का पुण्य, भविष्य का पुण्य और वर्तमान का पुण्य, संकल्प से हो जाता है। तो जयपुर में करीब मैं 4-5 महीने रही थी, 5 महीने रही थी, और 5 महीने में भी कहीं एक जगह रुक नहीं पाई, और मेरे ख्याल से मैं 75 या 80 कॉलोनी घूम के आई। मैंने काउंट किया था 80 कॉलोनी घूम के आई वहां पर, एक दिन दो दिन, एक दिन दो दिन, एक दिन दो दिन। बड़े अच्छे लोग रहते हैं जयपुर, बड़ा अच्छा लगा। तो बंधुओं, उपकार, अब आज सिद्ध क्षेत्र पर आए हो तो सिद्ध क्षेत्र पर कुछ उपकार की भावना है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, है। तो यदि जिनकी सामर्थ्य हो तो एक प्रतिमा जरूर विराजमान करना, भाव हो। 3 साल में देने हैं, यदि आप 200 रुपया दिन भी इकट्ठा करोगे तो 3 साल में आपके 1,00,000 रुपया हो जाएंगे, 3 साल में देने हैं तो। और आपकी प्रतिमा भी विराजमान हो जाएगी और आपके भाव भी पूरे हो जाएंगे। और जिनकी सामर्थ्य हो, नमो ऋण ताड़म, 1 करो 2 करो 3 करो, जितनी चाहे उतनी करो, है ना। 5.5 करोड़ नहीं करनी है, कितनी करनी है, 1008 करनी है, और कम से कम 100 प्रतिमाएं जयपुर की तो होनी ही चाहिए, क्योंकि जयपुर का नाम सारी दुनिया में है, भारत में नहीं, सारी दुनिया में है, है ना। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। फलों में फूट का, नारियल में जूट का, और बनने वाले सहस्त्र कूट का, पर्वत पर झरने का, कर्म के हरने का, और एक एक प्रतिमा विराजमान करने का। और एक और काम हो रहा है यहाँ पर, विधान चल रहे 40 दिन के, अभी पंडित जी बताएंगे आपको 40 दिन विधान बहुत अच्छे, जैसे मैंने पदमपुरा में 40 दिन का 40 करवाया था, याद है आपको, ऐसे ही यहाँ पर 40 दिन का विधान करवा रही हूँ। एक 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 ही विधान होगा, 40 दिन तक होगा, चंदा पर्व विधान, है ना। गाने में सुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में जयपुर का। आज जयपुर वालों के अलावा कोई और है? हाथ उठाओ। हाँ, कहाँ से हैं? बिलासपुर, बिलासपुर का, छत्तीसगढ़ का। वृक्षों में बड़का, बड़की जड़ का, और बिलासपुर छत्तीसगढ़ का। फतेहपुर, पशुओं में खुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में फतेहपुर का। गोरखपुर, और आने वालों में गोरखपुर का। पुर वाले सब इकट्ठे हो जाओ। देवली, नैनवा, रैनवाल, अच्छा, सिर पर बाल का, गर्मी में रुमाल का, और आने वालों में रैनवाल का। रेवासा, अच्छा, करने में आशा का, नहीं होने में निराशा का, और आने वालों में रेवासा का। बच्चों के लिए मामू का, और शरीर में मुंह का, और आने वालों में चोमू का। आप लोग बैठे रहेंगे, कोई खड़ा नहीं होएगा, हाथ उठा लो बस। औरंगाबाद, खेत में खाद का, देने में दाद का, और आने वालों में औरंगाबाद का। अभी नदी में नाव का, मनुष्यों के स्वभाव का, और आने वालों में गोटे गांव का। डीमापुर, गाने में सुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में डीमापुर का। पशुओं में काऊ का, बाल कटाने में नाऊ का, और आने वालों में लखनऊ का। बाल कटाने में नाई का, बैठने में चटाई का, भोजन में खटाई का, बच्चों की पिटाई का, और आने वालों में निवाई का। चलिए अब 10 मिनट और बिल्कुल शांति से बैठे रहेंगे, प्रोग्राम
केवल आज मैं जयपुर वालों के लिए ऊपर आई हूँ। आज आना नहीं था मुझे, लेकिन बस सुभाष जी बोले, माता जी प्रोग्राम, विनोद जी बोले प्रोग्राम ऊपर है, मैंने कहा ठीक है फिर मैं ऊपर आ रही हूँ। तो हमारे दो भाई, क्या नाम है आपका, पवन जी और राजेंद्र जी, जब मैंने अपने 8 बजे अपने गेट का दरवाजा खोला ऊपर आने के लिए, तो 2 सेना के जवान खड़े थे। मोते बोले माता जी ऊपर चलो, मैंने कहा चलो। मनीष, हाँ मनीष जी, तो बड़ा अच्छा लगा। तो अब वंदना आराम से करना, बिल्कुल जल्दी मत करना, है ना। दिगंबर जैन पदयात्रा संघ जयपुर के तत्वावधान में 8 दिवसीय बुंदेलखंड की धार्मिक यात्रा चल रही है, और इसके जो संरक्षक हैं वो सुभाष जी, वो तो अलग से ही चमकते हैं, अलग से ही दिखते कि हाँ ये यहाँ के क्या बोलते हैं, वो कमांडर हैं, वो सेना में होते ना कमांडर, कमांडर है। और सुभाष जी और अमर दीवान, अमर दीवान कौन है, अच्छा तुम्हारा नाम अमर दीवान है, वाह भाई। सुरेश ठोलिया, विनोद कोटखावदा, मनोज, मनीष लोहाड़िया, पवन जैन और बैदराज अशोक जी गोधा, आप इन सबको एक एक बार धन्यवाद जरूर देना। तुम्हारे मंगल कलश स्थापना थी और उस दिन जयपुर से 13 बसें लेकर के हम सभी श्रद्धालुगण माता जी की सेवा में आए थे। उससे पूर्व भी 5 दिन पहले भी हम लोग 2 बस करके माता जी की सेवा में यहाँ पर आए थे, और फिर से दोबारा उसी दिन भाव बन गए थे कि माता जी की सेवा में 4 बसें लेकर के दिगंबर जैन पदयात्रा संघ के तत्वावधान में रविवार 23 क्या नाम साजी है 16 जुलाई को हम लोग माता जी की सेवा में आ रहे हैं, और उसी कड़ी में आज माता जी के शरण में हम सब लोग यहाँ पर आए। माता जी के दर्शन करके हम सभी को बहुत अच्छा लगा। माता जी जयपुर में आई थी, जैसा कि बताया अभी पूर्व में कि 60 से 70 कॉलोनियां माता जी ने, शायद मेरे जीवन में पहली बार देखा है कि किसी साध्वी ने पूरे जयपुर के एक एक मंदिर को, एक एक कॉलोनी को पूरी तरह नापा है। और माता जी का आज ये वात्सल्य है कि आज श्रद्धालुगण जयपुर से लगातार यहाँ पर खींचे चले आ रहे हैं। जब हम माता जी को पहली बार जहाजपुर में निवेदन करने के लिए गए थे तो माता जी भी घबरा रही थी कि जयपुर के नाम से, क्योंकि माता जी कोटा, झालरापाटन, जहाजपुर और उधर के एरिया में ही राजस्थान में रही थी। हम सबको पता लगा कि माता जी कोटा की ओर विहार करने वाली है, तो जयपुर से हम 8-10 श्रद्धालुगण माता जी से निवेदन करने पहुंचे। दिन भर भगवान मुनीश्वर नाथ ने और माता जी ने हम सभी की बहुत परीक्षा ली। दिन भर हम लोग इंतजार करते रहे कि कैसे भी करके एक बार माता जी के चरण राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर की ओर पड़ जाए। और ये जयपुर वालों का पुण्य था कि कैलाश चंद जी, माणक चंद जी, रमेश जी ठोलिया और उनके परिवार और बाकी सभी लोगों के पुण्यार्जन से माता जी ने हम सभी का निवेदन स्वीकार किया और जयपुर की ओर माता जी का पदार्पण किया। इस तरह से बंद हो जयपुर को माता जी का मंगल प्रवास और बड़ा पदमपुरा में चातुर्मास मिला, तो ये हम सभी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। माता जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्री दिगंबर जैन पदयात्रा संघ जयपुर की स्थापना 1986 में स्वर्गीय ज्ञान प्रकाश जी बख्शी के नेतृत्व में की गई थी। तभी से यह संघ जयपुर से श्री महावीर जी की लगातार पदयात्रा कराता रहता है। सन 2003-2000 में जयपुर से समेत शिखर जी की पदयात्रा भी सुभाष चंद्र जैन के नेतृत्व में की गई, जिसमें 45 दिन हम सभी को लगे थे। सन 2003 में जयपुर से कुंडलपुर बड़े बाबा की पदवंदना 25 दिन में इस संघ के द्वारा की गई, और सन 2006 में जयपुर से बेंगलोर 444 यात्रियों के साथ ट्रेन से यात्रा करके और बेंगलोर से बाहुबली तक की पदवंदना की। इसी तरह 2018 में हवाई जयपुर से बेंगलोर पहुंचे और वहां से फिर पदवंदना करते हुए भगवान बाहुबली के महामस्तक अभिषेक किए। अभी हाल ही में 2023 में आचार्य अंतर्मन प्रसन्न सागर जी महाराज के महापारणा उत्सव पर जयपुर से एक स्पेशल ट्रेन भी समेत शिखर जी लेकर के ये संघ गया, और कुंडलपुर बड़े बाबा में लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से एक विशाल औषधालय का निर्माण भी इस पदयात्रा संघ के द्वारा वहां पर किया गया है। और 30 साल तक आसपास के 25-30 किलोमीटर के गांव के ग्रामीणों के लिए निशुल्क चिकित्सा शिविर आरोग्य भारती आचार्य सुशील जी बेदजी साहब, अशोक जी बेदजी साहब, इनके नेतृत्व में वहां पर हमने लगाया, और निरंतर लगातार ये धार्मिक यात्राओं का कार्यक्रम भी पदयात्रा संघ द्वारा करता रहता है। हम सभी को आज बहुत बहुत गदगद आपके दर्शन करके आपका। ओ टंक बजा है गुरु मां स्वस्ति भूषण का,
ओ टंका बजा है गुरु माँ स्वस्ति भूषण का, ओ हर कोई दीवाना स्वस्ति धाम का, तीरथ वो मुनि सुरतनाथ भगवान का, मुकुट बन गया पूरे राजस्थान का। डंका बजा है गुरु माँ स्वस्ति भूषण का, हो डंका बजा है गुरु माँ स्वस्ति भूषण का, हर कोई दीवाना स्वस्ति धाम का। और जब गुरु माँ जहाजपुर आई तो वहाँ पे वास्तविक बात ये है कि वहाँ पे जंगल था। लोग क्या कहते हैं सुनो, हो जंगल के कांटे गुरु माँ के पाँव में चुभते थे, जंगल के कांटे गुरु माँ के पाँव में चुभते थे, कार्य असंभव ले लिया कुछ लोग ये कहते थे, जंगल के कांटे गुरु माँ के पाँव में चुभते थे, कार्य असंभव ले लिया कुछ लोग ये कहते थे, किंतु मात की शक्ति से प्रभु ऐसे हुए मेहरबान, किंतु मात की भक्ति से प्रभु ऐसे हुए मेहरबान, 5 सालों में कर डाला 10 सालों का काम, ओ 5 सालों में कर डाला 10 सालों का काम, ओ क्या कहना माँ के इस निर्माण का, क्या कहना माँ के इस निर्माण का, मुकुट बन गया पूरे राजस्थान का, डंका बजा है गुरु माँ स्वस्ति भूषण का, हो डंका बजा है गुरु माँ स्वस्ति भूषण का, हर कोई दीवाना स्वस्ति धाम का। और अंत में 2 पंक्तियां और क्या, हो जिसको भी दर्शन देने के लिए बुलाते हैं, जिसको भी दर्शन देने के लिए बुलाते हैं, नैना गिरवी रख लेते हैं चित्त चुराते हैं, नैना गिरवी रख लेते हैं चित्त चुराते हैं, जिसने कुटिया मांगी उसको महल मकान दिए, जिसने कुटिया मांगी उसको महल मकान दिए, ओ रूखी मांगी तो 56 पकवान दिए, ओ क्या कहना माँ के इस निर्माण का, क्या कहना माँ के इस निर्माण का, ओ मुकुट बन गया पूरे राजस्थान का, डंका बजा है गुरु माँ स्वस्ति भूषण का, डंका बजा है गुरु माँ स्वस्ति भूषण का, हर कोई दीवाना स्वस्ति धाम का, तीरथ वो मुनि सूरतनाथ भगवान का, मुकुट बन गया पूरे राजस्थान का। विशाल धर्मशाला में भोजन लेकर के और लगभग 12 बजे यहाँ से रवाना हो जाएंगे। सौभाग्य प्राप्त किया है, और एक नाम और मैं बोलूंगा, श्री जल्दी जल्दी, अरे संदीप जल्दी करो, निहाल चंद जी, जिन्होंने भी एक जन प्रतिमा को विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, आइए इनकी दान की अनुमोदना करते हैं। और श्री राजेंद्र जी जैन, कमलेश जी जैन, श्रीमती पवन जी शालिनी जी जैन पुत्री, और रितेश जी शालिनी जी सौगानी परिवार सुपुत्र बहु, दीपांशी जैन, श्रियांशी जैन, समस्त भाव है, भावों को बनाना चाहिए, सिद्धों की भूमि पर आपको सौभाग्य मिल रहा है, ऐसा जिन प्रतिमा को विराजमान करने को आपको स्वयं सौभाग्य मिलेगा। सहस्रभूत जिनालय में आप आओगे और सहस्रभूत जिनालय में जिन प्रतिमा को विराजमान करोगे, गणनी आर्या 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी के आशीर्वाद से यह सहस्रभूत जिनालय बन रहा है। और एक जिन प्रतिमा बारदाना परिवार सतना इंदौर और खोरई वालों ने प्राप्त किया है, इनकी भी दान की अनुमोदना करते हैं। जहां कहीं भी हो मेरी आवाज सुन रहे हैं, आ जाइए।